गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के बीच बीमारों के संपर्क में आने वाले लोगों पर भी संकट का साया मंडरा रहा है। रविवार को गाजीपुर से ऐसे 75 लोगों को स्वैब टेस्ट के लिए भेजा गया जो कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे। इन लोगों का स्वैब जांच के लिए वाराणसी भेजा गया है। इन्हें क्वारंटीन करके निगरानी में रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसफर न हो इसके लिए गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सर्वे के द्वारा ऐसे लोगों का पता लगाया जा रहा है जो कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए थे। इनकी पूरी सूची बनाई जा रही है। रविवार का दिन गाजीपुर के लिए एक तरह से राहत देने वाला रहा। 160 से अधिक लोगों का स्वैब टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव मिला है। रेलवे जोन ट्रेनिंग सेंटर के अलावा जिले में बने अलग अलग अस्थायी सेंटरों पर लोगों को क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि गाजीपुर में प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। भारी संख्या में लोग महानगरों से आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तमाम क्वारंटीन सेंटरों पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ रहा है। इसके बाद इन्हें घर पर ही 21 दिन क्वारंटीन रहने का आदेश है। अगर आप भी बाहर से गाजीपुर आए हैं तो आपको खुद को अपने घरों में आइसोलेट रखना चाहिए। सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा करते हुए इसे 31 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में इसका पालन कड़ाई से किए जाने की जरूरत है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।